Assalamu Alaikum dear students welcome to Four Public School e-learning class 10th subject chemistry and I'm your teacher Miss Sana Ambreen this is part 5 or unit 16 chemical industries open up book page number 204 here we have another topic that is petroleum industry

केमिकल प्रोडक्ट्स डेट ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाई रिफाइनिंग नाउ वट इज पेट्रोलियम इट मीन्स इट इज़ क्रूड ऑयल पेट्रोकेमिकल्स हमारे पास वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास पेट्रोलियम से ऑप्टेन किए जाते हैं बाई रिफाइनिंग सच एज फ्यूल्स सॉलवेंट्स लुबिकेन्ट्स वट इज़ लुब्रिकेंट दे हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन पॉलिमर्स मैक्रो एंड डिटर्जेंट्स एट्रा नाउ क्रूड ऑयल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बट मस्ट बी रिफाइंड बिफोर यूज हमारे पास ये जो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम ये हम डायरेक्टली यूज नहीं करते बल्कि इसको अपने इस्तेमाल से पहले जो है वो रिफाइन करते हैं या साफ़ करते हैं कमर्शली यूजफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस दी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कमर्शली जो है हमारे पास जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं फायदा प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं क्रूड ऑयल इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटीरियल एंड दोर्स ऑफ मैनी यूजफुल सबस्टेंस सच एज फ्यूल्ड एंड अ केमिकल फीड स्टॉक फॉर देट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फ्रॉम विच एनलेस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक एंड ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड हमारे पास जो क्रूड ऑयल है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास रॉ मटेरियल है और वो एक ऐसी सोर्स है हमारे पास जिससे हमारे पास बहुत सारे जो है वो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो तैयार होते हैं जैसा कि फ्यूल है और केमिकल फीड स्टॉक है वट आर दी केमिकल फीड स्टॉक इट इज़ ऑल्सो द रॉ मटेरियल्स टू सप्लाई फ्यूल टू अ मशीन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस नाओ इसकी मदद से हमारे पास कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट जो हैं तैयार होते हैं डेट आर इंक्लूडिंग प्लास्टिक एंड ड्रग्स एक्सेट्रा नाओ वट इज पेट्रोलियम बेसिकली दर्ट पेट्रोलियम इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ टू लेटन वर्ड्स वन इज पेट्रो मीन्स रॉक एंड ददर वन ओलियम मीन्स ऑयल पेट्रोलियम इज़ क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल मीन्स इट इज़ नॉट अ प्योर ऑयल हम इसको जब डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं तो पहले हम इसको रिफाइन करते हैं उसके बाद हम इससे जो है यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं इट इज़ प्रेजेंट एज डार्क विस्कस लिक्विड अंडर दी ग्राउंड ऑफ डिफरेंट डेप्थ हमारे पास ये ज़मीन की डिफरेंट गहराइयों में जो है वो एज अ डार्क विस्कस लिक्विड जो है वो मौजूद होता है दी पेट्रोलियम इज मेनली कम्पोज ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो है पेट्रोलियम क्या है इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड सो इट इज मेनली कम्पोज ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज डेट इज पेज नंबर टू जीरो फाइव हेयर वी हैव ओरिजन ऑफ पेट्रोलियम Nothing definite can be said about the origin of petroleum because man is familiar with its use from ancient time. हमारे पास जो है हम कोई भी एग्जैक्ट बात जो है वो नहीं कह सकते अबाउट origin ऑफ पेट्रोलियम क्योंकि हमारे पास जो इंसान है जो आदमी है वो इससे बहुत पुराने वक्तों से जो है वो इसके इस्तेमाल के बारे में जो है वो जानता है या इससे फेमिलियर है चाइनीज़ यूज़ पेट्रोलीम एज फ्यूल एज अर्ली एज टू हंड्रेड बी सी हमारे पास जो चाइनीज़ हैं वेट्रोलीम को एज फ्यूल जो है वो टू हंड्रेड बी सी से जो है वो यूज़ कर रहे हैं देयर आर टू कॉन्सेप्ट और थ्यूरीज अबाउट दी ओरिजन ऑफ पेट्रोलीम हमारे पास जो दो थ्यूरीज हैं ओरिजन ऑफ पेट्रोलीम की दैट इज़ वन इज़ इनऑर्गेनिक और एबाटिक ओरिजन एंड द अदर वन इज ऑर्गेनिक औरिजन नाउ फर्स्ट थ्योरी इज इनऑर्गेनिक और ए बायोटिक औरजन दिस थ्योरी वॉज पुट फॉवर्ड बाय अ रशियन केमिस्ट मैंडलीव हमारे पास ये जो थ्यूरी है जो किसने प्रजेंट की थी एक रशियन केमिस्ट थे मैंडलीव उन्होंने इस थ्यूरी के बारे में बताया था ही प्रोपोज डेट स्ट्रीम रिएक्ट विद मिटेलिक कार्बाइड्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर दर्फेस ऑफ द अर्थ दे प्रोड्यूस्ड पेट्रोलियम उन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि स्टीम जो है वो हमारे पास अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो रिएक्ट करती है मेटेलिक कार्बाइड्स के साथ और उससे हमारे पास पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वट इज मेटेलिक कार्बाइड्स जब हमारे पास मेटल जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है या जो हमारे पास कंपाउंड बनता है दे आर नोन एज मिटेलिक कार्बाइड बट दिस थ्योरी डिड नॉट गेन पॉपुलैरिटी लेकिन हमारी ये जो uh, मैं डिलीव की थ्योरी थी जो है इसने पॉपुलैरिटी जो है वो गेन नहीं की थी या हासिल नहीं की थी सेकेंड इज ऑर्गेनिक औरजन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरेड अंडर दॉयल मिलियंस ऑफ एयर्स अगो हमारे पास जो है वो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे काफ़ी सदियों से जो है मिलियंस ऑफ अगो जो है वो हमारे ए, प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ एंड डिके होती है तो वो बरिड हो जाते हैं अंडर दी सॉयल

दिस डिपॉजिट्स ट्रैप बिटवीन दी लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रोक्स और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं पेट्रोलियम के ये हमारे पास जो है वो लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रोकस में जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं या फंस जाते हैं या ट्रैपड हो जाते हैं दी ऑयल एंड गैस थर्स फॉर्म कुड नॉट कम आउट एंड कलेक्टेड अंडरग्राउंड इस वजह से जो हमारे पास ऑयल और गैस जो है जो बनती है वो हमारे पास ज़मीन से बाहर नहीं आती और वहीं पर जो है नीचे जो है वो कलेक्ट हो जाती है दिस थ्योरी गेन पॉपैरिटी और इस थ्योरी ने जो है बाद में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी जो है वो हासिल की थी नेक्स्ट इज अक्रंस ऑफ पेट्रोलियम। डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड एट अबाउट टू हंड्रेड टू वन थाउजेंड फीट बिलो द अर्थ सरफेस हमारे पास जो है वो टू हंड्रेड से लेकर वन थाउजेंड जो है वो बिलो द अर्थ सर्फेस जो है वह हमारे पास पेट्रोलीम के डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं द रिचस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलीम आर लोकेट इन सऊदी अरेबिया इराक UAE and other middle east countries Russian Federation and Central Asian states have also rich oil deposits Similarly petroleum is also found in central african states such as Libya Nigeria Venezuela Mexico Canada and USA In Pakistan search for petroleum is being done on priority basis सम ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम मियाल एंड तूत इन पोटोहार एरियाज ऑफ पंजाब बदीन एंड हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध कोहाट एंड करक डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ये हमारे पास वो एरियाज हैं जहाँ पर हम लोग जो है वो ऑयल को जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नाउ इट्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस ऑफ अक्रंस हमारे पास जो पेट्रोलियम um, की कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू इट्स अक्रंस जो है वो चेंज हो जाती है इट एग्जिस्ट इन ऑल दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन दॉलिड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज एसफॉल्ट इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल वाइल इन द गैशियस फॉर्म इट इज़ कार्ड नेचुरल गैस हमारे पास जो तीनों स्टेट्स ऑफ मेटर हैं इसमें जो है वो हमारे पास पेट्रोलियम एग्जिस्ट करती है सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड फॉर्म में हम इसको नाम देते हैं एसफॉल्ट का लिक्विड फॉर्म में हम इसको नाम देते हैं क्रूड ऑयल को और गैशियस फॉर्म में हम इसको नाम देते हैं नेचुरल गैस का नेक्स्ट इज ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम यूजअली अक्करेप ऑफ फाइव हंड्रेड फीट और मोर The क्रूड ऑयल इज़ फाउंड इन पोरस रॉक्स पोरस रॉक्स मीन्स हैविंग empty स्पेसिस हमारे पास जो क्रूड ऑयल है वो पोरस रॉक्स में जो है वो पाया जाता है या मौजूद होता है इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद नेचुरल गैस हमारे पास ज़्यादातर जो है इस क्रूड ऑयल के साथ जो है वो नेचुरल गैस जो है वो अटैच होती है विच exert प्रेशर ऑन दी ऑयल सरफेस जो कि हमारे पास इस ऑयल के ऊपर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है या प्रेशर लगाती है एंड ड्राइव्स इट आउट थ्रू नेचुरल ओपनिंग ऑफ दी अर्थ और फिर जो है इसको नेचुरल ओपनिंग ऑफ द अर्थ की थ्रू जो है वो जमीन से बाहर ले आती है इन केस ऑफ आर्टिफिशियल माइनिंग माइन्स आर बोर्ड हमारे पास आर्टिफिशियल माइनिंग में क्या करते हैं हम जो है वो माइन्स जो है वो बोर्ड करते हैं मीन्स के सुराख करते हैं जो है वो जमीन में वैन पॉकेट इज पेयर्स दी गैस प्रेशर फोर्सिस दी ऑयल आउट हमारे पास अगर ऑयल पॉकेट जो है वो उसमें छेद हो जाए पेयर्स मींस उसमें छेद हो जाए या सुराख हो जाए तो गैस प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ऑयल जो है वो बाहर आ जाता है अगर हमारे पास वहाँ पर नेचुरल गैस ना हो इफ़ देयर इज नो नेचुरल गैस प्रेजेंट इन दी पॉकेट अगर हमारे पास उस पॉकेट में जो है वो नेचुरल गैस प्रेजेंट ना हो देन एयर प्रेशर इज़ अप्लाइड टू दी रेज दी ऑयल फ्रॉम दी वेल तो उस कुएं में से जो है वो ऑयल को निकालने के लिए रेस करने के लिए ऊपर लाने के लिए जो है हमें एयर प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है दी ऑइल ऑप्टेन फ्रॉम दाइन इज कन्वेड बाई सि ऑप्टेन हुआ होता है या जो हमें हासिल फ्रॉम दी माइन्स इसको हम जो है वो डिफरेंट पाइप लाइन्स में जो है भिजवा देते हैं फॉर रिफाइनिंग टू द रिफाइनरी नाउ वट इज ड्रिलिंग ऑन पेज नंबर टू जीरो सिक्स वी हैव देशन ऑफ ड्रिलिंग दी आर्ट एंड साइज ऑफ माइनिंग अ होल इन दी अर्थ क्रस्ट और रॉक इस कार्रिलिंग हमारे पास वो साइंस जिसके थ्रू जो है हम जमीन में जो है वो होल करते हैं या सुराख करते हैं माइनिंग के लिए उसको हम कहते हैं ड्रिलिंग नाउ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम When crude oil is pumped out of the ground, it is the mixture of a large number of compounds, most of which are hydrocarbons. हमारे पास जब क्रूड ऑयल को जो है वो जमीन से बाहर निकाल लिया जाता है पम्प आउट किया जाता है तो हमारे पास उस वक्त जो है ये एक लार्ज नंबर जो है कंपाउंड का मिक्सचर होता है और मोस्टली उसमें क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आर दी कम्पाउंडस दैट आर कम्पोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या है वो वो कम्पाउंड है जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो है वो कंबिनेशन से जो है वो बनते हैं Now, the conversion of crude oil into useful products with different boiling points or with different boiling range and free from impurities is called refining. हमारे पास ये जो crude oil बनता है इसको हम different purpose से use करने से पहले refine करते हैं तो refining क्या है कि हमारे पास crude oil को जो है वो useful product में convert करने के लिए जो different boiling range से गुजारा जाता है और उसमें से impurities को हटाया जाता है उसको हम कहते हैं refining. विच इज़ कैरीड आउट इन आ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो कि हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो ऑपरेटर्स होता है उसमें जो है वो परफॉर्म किया जाता है इस रिफाइनिंग के प्रोसेस को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट्स टू कलेक्ट डिफरेंट फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में हमारे पास डिफरेंट कम्पार्टमेंट्स से बने हुए होते हैं जहाँ से हम अपने डिफरेंट फ्रैक्शन के हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो अलग कर लेते हैं या फिर कलेक्ट कर लेते हैं नाउ दी कम्पलेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन क्रूड ऑयल कैन भी सेपरेटेड इंटू फ्रैक्शन बाई दी टेक्नीक ऑफ दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो ऑपरेटर्स है जिसमें तमाम जो है प्रोसेस कैरड आउट होता है तो हम डिफरेंट जो है उसमें जो फ्रैक्शन हैं उसके थ्रू जो है अपने क्रूड ऑयल को जो है वो आ, प्योरीफाई करके जो है वो वहाँ से आ, हासिल कर लेते हैं पेट्रोलियम इज़ रिफाइन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और टॉवर हमारे पास पेट्रोलियम जो है वो इसी फ्रैक्श फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के चैम्बर से जो है वो आ, जो कि टॉल लंबा सा जो हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग टॉवर है वहाँ से जो है वो हम इसको रिफाइन करते हैं दी क्रूड ऑयल इज हीटेड अपू फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अंडर हाई टेम्परेचर इन अ फर्नस सबसे पहले क्या होता है जो क्रूड ऑयल है उसको फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हम लोग बॉयल करते हैं या हीट अप करते हैं विद हाई प्रेशर देन इट इज़ पास थ्रू दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब जो है फिर उसको जो है वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है वो डाला जाता है दीज वेपर्स राइज थ्रू दी कॉलम अब जो उसके अंदर वेपर्स जो होते हैं वो आराम आराम से कॉलम्स में जो है वो ऊपर की तरफ जाने शुरू करते हैं एज हॉट वेपर्स मूव अप दे कंडेंस अकॉर्डिंग टू देयर बॉयलिंग पॉइंट्स इन टू वेरियस फ्रैक्शन अब वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शन का अपना एक बॉयलिंग पॉइंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो वेपर्स हैं वो मूव अप करते हैं और वो कंडेंस होकर जो है अपने कंपार्टमेंट में जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं कंपाउंड्स विद हाइस बॉयलिंग पॉइंट्स कंडेंस एंड फर्स्ट नीयर दी बॉटम जो हमारे पास कंपाउंड जो है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास हाई होता है वो सबसे पहले जो है बॉटम के करीब जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं वाइल दोज कंपाउंड्स हैविंग लो बॉयलिंग पॉइंट जबकि वो कंपाउंड जिनका बॉयलिंग पॉइंट हमारे पास लो होता है दे मूव एट दी टॉप ऑफ दी फ्रैक्शनेटिंग टावर तो वो जो है हमारे पास कॉलम जो है या टावर के जो है वो टॉप पर जो है वो जाना स्टार्ट कर देते हैं दी वेपर्स कंडेंस ग्रेजुअली एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉयलिंग पॉइंट्स दी क्रूड ऑयल इज़ सेपरेटेड इन डिफरेंट फ्रैक्शन हमारे पास जो है जो वेपर हैं ये अपने अपने कंपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने अपने बॉयलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर कंडेंस होते हैं वहाँ पर कलेक्ट होना शुरू होते हैं और हमारे पास क्रूड ऑयल जो है फिर डिफरेंट फ्रेक्शन से जो है वो वहाँ से अलग करके जो है वो डिफरेंट परपजेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है नाउ दिस इज़ दी डाइग्राम ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेटिंग टावर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं ईच एंड एवरी हैज़ चैम्बर हैज़ इट्स ओन बॉयलिंग पॉइंट अब इस बॉयलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है जिस चैम्बर में भी जो है हमारे पास हाइड्रोकारबन जो है वो वहाँ पर कंडेंस हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हम इसको रिमूव करके है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो है क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हीट अप करते हैं उसके बाद हम इसको इस चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं जैसे कि हम लोगों ने कहा जितना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उस टाइम पर हमारे पास जो है उतने ही हाई हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और जितना बॉयलिंग पॉइंट्स हमारे पास जो है वो लो होना स्टार्ट होता है उसी तरह हमारे पास जो है उसके हाइड्रोकार्बन मूव करते हैं एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और फ्रैक्शनेटिंग टावर तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन जो है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपार्टमेंट जो है वो अपने पास जो है वो अपना डिजायर्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंडेंस करते हैं और उसके बाद उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है वहां से कलेक्ट करके डिफरेंट परपजेस के लिए यूज करते हैं नाउ ऑन पेज नंबर टू जीरो नाइन वी हैव प्रॉपर टेबल फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर हेयर वी हैव फ्रैक्शंस एंड नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन रेंज अदर वन इज़ अबाउट बॉयलिंग पॉइंट एंड द एट लास्ट देर आर यूजेज ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोकार फर्स्ट वन इज रिफाइनरी गैस हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जब बिलो हो जाता है फोर्टी डिग्री सेल्सियस से तो हमारे पास का सी वन से लेकर सी फोर कार्बन मीन्स मीथेन ईथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये चार कार्बन जो है वो हमारे पास अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और ये हमारे पास फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं हमें पता है कि हमारे पास मिथेन जो है दैट इज़ आर डोमेस्टिक गैस जो हमारे पास डोमेस्टिक हीटिंग के लिए यूज होता है इसी तरह ये हमारे पास गैस जो है वो कुकिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट सामान हमारे पास है नेफ्ता पेट्रोल इट हैज़ रेंज फ्राम सी फोर टू सी ट्वेल्व

नाओ इट्स रेंज इज़ अबाउट कार्बन टेन टू कार्बन सिक्सटीन नाओ इट हैज़ टेम्परेचर वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब इस कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन रिमूव होते हैं ये हमारे पास एक तो लेस वोलेटाइल होते हैं दूसरा दे आर लेस वेमेबल दैन पेट्रोल यूज फॉर डोमेस्टिक हीटिंग फ्यूल एयरक्राफ्ट जेट फ्यूल्स हमारे पास ये एयरक्राफ्ट जेट फ्यूल्स में और इसके अलावा जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट इज डीजल ऑयल इट हैज़ रेंज फ्राम सी फोर्टीन टू सी ट्वेंटी फाइव इट हैज़ टेम्परेचर और बॉयलिंग पॉइंट दैट इज ट्वेंटी फाइव अप्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगेन दे आर लेस वॉलेटाइल दैन पेट्रोल यूज एज अ फ्यूल इन लार्ज व्हीकल हमारे पास जो, जो लार्ज व्हीकल्स होती हैं ट्रक्स वगैरह बसेज वगैरह ट्रेन वगैरह उसके लिए जो है हमारे पास जो है ये वाले जो हाइड्रोकार्बन की रेंज है डीजल्स ऑयल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं दे आल्सो क्रैक दी टू मेक मोर पेट्रोल एंड अल्कींस हमारे पास जो है ये इसके अलावा जो है मजीद पेट्रोल को बनाने के लिए और जो है वो अल्कींस अल्किन्स मीन्स हैविंग डबल बॉन्ड इन कार्बन कार्बन उनको जो है वो भी प्रिपेयर करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट वन इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल

हाइड्रोकार्बन्स एंड हैविंग टेम्परेचर अबव 400 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हमारे पास ज्यादातर जो हैं लार्ज मालिक्यूल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड दैट इज एसफॉल्ट लो मेल्टिंग सॉलिड यूज ऑन द रोड्स एज इट फॉर्म्स आ थिक ब्लैक टफ एंड रेजिस्टेंट एडहेसिव सरफेस ऑन कूलिंग आल्सो यूज एज अ रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग मटीरियल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो रोड्स वगैरह में बनाने के लिए ब्लैक जो है स्टिकी मटीरियल यूज़ किया जाता है तो वो ब्लैक स्टिकी मटीरियल क्या होता है डैट इज़ दी रेजिड्यू डेट इज़ लेफ्ट और डेट इज़ देंड प्रोडक्ट ऑफ दी हाइड्रोकार्बन हम इसको भी वेस्ट नहीं करते हम इसको भी जो है वो किसी ना किसी डिफरेंट पर्पज़ से इसके लिए यूज़ कर लेते हैं Now we have tidbit दैट इज इन फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज इवेपोरेटेड दैन कंडक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग जैसे बात कर चुके कि हमारे पास डिफरेंट लिक्विड जो हैं वो एवेपोरेट होते हैं और फिर वहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं नाउ दीज डिफरेंट लिक्विड आर एवेपोरेटेड अकॉर्डिंग टू देअर बॉयलिंग पॉइंट्स हमारे पास ये डिफरेंट लिक्विड जो है वो अपने बॉयलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने कंपार्टमेंट में जाकर जो है वो एवेपोरेट होते हैं एंड दे आर कलेक्टेड इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ डिस्टिलेशन और फिर हम इनको अपने डिफरेंट चैम्बर्स से जो है वो अकॉर्डिंग टू डिस्टिले जो है वो वहाँ से कलेक्ट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट फाइव आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल स्टे होम स्टे सेफ